अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग एक वेजिटेबल बिरयानी बना रहे हैं। जी हाँ, लेकिन वेजिटेबल्स इस्तेमाल करके नहीं, एक फ्रूट इस्तेमाल करके, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट भी एक वेज है, वेज आइटम है, इसलिए आज हम लोग जैक फ्रूट बिरयानी बना रहे हैं बच्चों के लिए। चलिए देखते हैं आसानी से हम लोग कैसे बनाते हैं। अल्लाह, हम लोग जॉक फ्रूट्स को टर्मरिक पाउडर डाल के बॉईल करने के लिए रखे हैं। ये अच्छी तरह बॉईल होते ही हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। माशाल्लाह अच्छी तरह बॉईल हो गया है। अब इसको हम लोग वाटर से अलग करते हैं। हम लोग एक तरफ राइस को 70% बॉईल करने के लिए रखे हैं और यहाँ पर हम लोग जॉक फ्रूट का थोड़ा सा मसाला प्रिपेयर करेंगे, उस पर ही राइस इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लोग मसाला प्रिपेयर करने का प्रोसेस देखेंगे। ऑयल गरम होते ही इसमें हम लोग ऐड करेंगे होल गरम मसाला स्पाइसेस। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा
Kaju. इसके बाद हम लोग थोड़ा और टेस्ट के लिए ऐड करेंगे किशमिश. Next ingredient, green chili, mint leaves, coriander, next हम लोग इसमें डालेंगे ginger garlic paste. पहले ही हम लोग ब्राउन अनियंस बना के रखे थे. हर बिरयानी के लिए ब्राउन अनियंस बहुत ही ज़रूरी होता है टेस्ट के लिए और उसके स्मेल के लिए, इसलिए आज हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं ब्राउन अनियंस. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कर्ड. अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे पहले ही बॉईल करा हुआ जॉक फ्रूट. जॉक फ्रूट डाले बाद हम लोग ऐड करेंगे बिरयानी मसाला, आपके जो चॉइस है वो.
आज का ये वीडियो हर्षनी के बर्थडे के मौके पे उनके दोस्त ने स्पॉन्सर करे थे. वंस अगेन हैप्पी बर्थडे हर्षनी, और हर्षनी को अल्लाह ताला और भी खुशियाँ दे, उनकी कमाई में बरकत दे, उनकी लाइफ में खुशी रखे, आमीन. और एक ख़ास बात, इन बच्चे आज बहुत एंजॉय कर रहे थे. अच्छा खासा एक वैरायटी डिश हम लोग बना के दिए थे, उन लोगों को बहुत पसंद आया. आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए. हम तक पहुंचने के लिए 786godfoods@gmail.com पर मेल करिए, हम लोग खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएंगे. आगे चल के हम लोग की सफ़र ऐसे ही जारी रहेगी सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से. हम लोग को सपोर्ट करिए, जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं एक शेयर करिए, उससे और भी बच्चे खुश हो सकते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.